स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेटेड. हमारे पास स्टेटमेंट है अ डाइवर वेटिंग 750 न्यूटन्स डाइव्स फ्रॉम अ बोट 10 मीटर्स अबव द सर्फेस ऑफ द पूल ऑफ वाटर. यूज द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी टू फाइंड हिज स्पीड एट अ 0.5 मीटर्स अबव द वाटर सर्फेस निगलेक्टिंग फ्रिक्शन. अब इस स्टेटमेंट के मुताबिक मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ स्टूडेंट्स. जैसे कि मैं आपको इसको स्क्रोल करके हम डायग्राम को इधर ले आते हैं. ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक ड्राइवर ड्राइवर की जो है डायग्राम है जिसको जिस मतलब कि जो कि एक वुडन वुडन जो हमारे पास ब्लॉक है उसके ऊपर स्टैंड किए हुए है, ठीक है. और उसके ऊपर वहाँ से वो जो है वो जंप लगाने की कोशिश कर रहा है. और इसकी जो हाइट है यानी कि हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द पूल, यानी कि जिस तरह से सरफेस ऑफ द पूल को अगर मैं येलो लाइन से शो कर दूँ, ये हमारे पास सरफेस ऑफ द पूल है यानी कि वाटर की जो सरफेस है. वहाँ से जो वुडन ब्लॉक जो है यानी कि जिसके ऊपर उसने बोर्ड जो है जिसके ऊपर उसने स्टैंड किया हुआ है वहाँ तक का जो हाइट है हमारे पास वो कितनी है स्टूडेंट्स? हमारे पास 10 मीटर्स की है. अगर इसको मैं H1 का नाम देती हूँ, H1 जो है हमारे पास कितनी है स्टूडेंट्स? 10 मीटर्स, ठीक ठीक और फिर उसके बाद जो है जब वो यहाँ से फॉल करेगा यानी कि नीचे की तरफ गिरेगा तो फिर एट द डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर्स जो है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो हमने कैलकुलेट करनी है. अब हम जैसा कि हम जानते हैं स्टूडेंट्स के जो इस ड्राइवर है इसका वेट जो है यानी कि W जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और उसकी वैल्यू भी हमें गिवन है यानी कि W जो है वो हमारे पास कितना गिवन है 750 न्यूटन्स, ठीक. और H1 हाइट जो है वो हमारे पास कितनी है 10 मीटर्स की हाइट है. और H2 हाइट यानी कि जिस हाइट पे हमने उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है वेलोसिटी की यानी कि इसके बिल्कुल हाफ डिस्टेंस पे यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो हमारे पास डिस्टेंस है जिसे मैंने H2 का नाम दे दिया है वो उसने कितना बताया हमें 5 मीटर्स बताया है, ठीक है. और फिर हमने क्या करना है फ्रिक्शनल फोर्सेस को निगलेक्ट कर देना यानी कि जो फोर्सेस इस डाइवर की मोशन को रेजिस्ट कर रही हैं इसको नीचे की तरफ आने से रोक रही है क्योंकि एयर जो है वो हर जगह मौजूद है और वो कुछ ना कुछ ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एग्जर्ट करती है. उन सारी फोर्सेस को निगलेक्ट कर दें तो हमारे पास जो है वो इस पॉइंट पे यानी कि एट पॉइंट अगर हम इनको पॉइंट्स भी दे देते हैं ताकि हमारे पास समझना आसान हो सके. अगर ए पॉइंट वो पॉइंट है जहां वो बोर्ड के ऊपर स्टैंड किया है डाइवर और ये पॉइंट जो होगा यानी कि मिड पॉइंट यानी कि बी पॉइंट पे यानी कि जब वो 5 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा वो हमने बी पॉइंट कह दिया. और सरफेस ऑफ द पूल जो है वो हमारे पास सी पॉइंट है, ठीक. तो बी पॉइंट पे हमने उसकी वेलोसिटी की वैल्यू जो है उसको हमने कैलकुलेट करना है यानी कि V2 की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे और जबकि V1 की वैल्यू जो होगी यानी कि एट पॉइंट ए जो है उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है हमारे पास V1 इज इक्वल टू 0 क्योंकि ये रेस्ट की पोजीशन में है. और एट पॉइंट बी जो है वो उसकी वेलोसिटी जो है वो हमने V2 से रिप्रेजेंट की है जो कि हमने फाइंड आउट करनी है, सही. तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इस तरह से हमारे पास डाटा कंप्लीट हो जाता है. अब अगर हम जानते हैं कि हमारे पास जो अकॉर्डिंग टू द लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर हम देखें अगर हम फ्रिक्शनल फोर्सेस को निगलेक्ट कर दें स्टूडेंट्स तो एट पॉइंट ए यानी कि ए पॉइंट पे अगर हम देखें तो उसके पास जितनी क्योंकि वो ड्राइवर जो है वो रेस्ट की पोजिशन पे होगा इस वजह से उसके पास कौन सी एनर्जी होगी. एनर्जी जो उसके अंदर स्टोर होगी वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगी ड्यू टू इट्स पोजिशन क्योंकि वो ग्राउंड से या फिर सी लेवल से जो है वो एक खास जो है हाइट पे मौजूद है, ठीक है. उसने कोई पोजीशन अटेन की है जिसकी वजह से उसके पास जो है वो पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट हो करेगी और वो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंटर कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी पे जब वो जो है नीचे की तरफ फॉल करेगा. तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एनर्जी हम ये लिख सकते हैं कि हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ जाएगी यानी कि जितनी पोटेंशियल एनर्जी उसके पास एट पॉइंट ए थी एट पॉइंट भी मैं लिख देती हूँ एट पॉइंट ए उसके पास जितनी एट पॉइंट ए जो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है वो इक्वल होगी किसके काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी यानी कि बी पॉइंट पे जबकि उसके पास वो अपने मिड वे में है यानी कि उसने हाफ डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो उसके पास इस पॉइंट पे जो है उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी क्योंकि वो मोशन परफॉर्म कर रहा होगा, ठीक है. और पोटेंशियल एनर्जी का स्टूडेंट्स हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है MGH होता है, ठीक है. और हाइट जो है क्योंकि वेरी कर रही है
वो हम अभी इसको हम एक्सपैंड करके लिखेंगे, यानी कि यहाँ से अगर हम देखें कि एम जी एच जो है वो हमारे पास यहाँ से ए से बी तक की जो हाइट है वो हम किस तरह से निकाल सकते हैं। अगर हम देखें कि हम एच वन में से एच वन माइनस एच टू कर दें तो हम हाइट निकाल सकते हैं बी पॉइंट की ग्राउंड लेवल से, यानी कि सी लेवल से जो है उसकी हाइट निकाल सकते हैं फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द पूल से। तो एच वन माइनस एच टू कर दिए मैंने, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारे पास क्या होगी, हाफ एम वी टू का स्क्वेयर माइनस हाफ एम वी वन का स्क्वेयर। ठीक है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी में कितना जो चेंज, यानी कि वी टू कौन सी वेलोसिटी है स्टूडेंट्स, एट पॉइंट बी है हमारे पास उसके पास, और वी वन वो वेलोसिटी है जो कि उसके पास एट पॉइंट ए थी। अब क्योंकि ए पॉइंट पे वो रेस्ट की पोजिशन पे, इस वजह से उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू नहीं होगी, इसलिए ये वाली पूरी टर्म जो है हमारे पास जीरो को अप्रोच कर जाएगी। और वही हम नेक्स्ट स्टेप में भी लिखेंगे, जिस तरह से वन बाय वन हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि एम जी एच टू माइनस एच वन, और एच वन हमारे पास कितने हैं स्टूडेंट्स, 10 है, और माइनस एच टू करें हमारे पास 5 है। ठीक है, और यहाँ अगर हम देखें तो हाफ एम इंटू वी टू का स्क्वेयर माइनस, और वी वन की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है, तो ये पूरी टर्म जो है 0 हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि ए पॉइंट पे उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो 0 है, क्योंकि वो बॉडी मोशन एग्जीक्यूट नहीं कर रही एट पॉइंट ए। ठीक है, अच्छा, अब ये चीज़ हमारे पास, अब इसमें अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि हमें एम की वैल्यू नहीं मालूम, लेकिन हमें वेट दिया गया है, यानी कि डब्ल्यू की वैल्यू हमें गिवन है जो कि 750 न्यूटन्स है, तो हम इसमें से जो है वो एम की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि डब्ल्यू का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एम जी होता है, और एम जी इज इक्वल टू 750, और जी जो अगर मैं एम की वैल्यू निकालना चाहती हूँ तो जी को मैं डिवाइड कर दूंगी राइट साइड पे जाके, और जी की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वेयर, तो मेरे पास कितना आंसर आता है स्टूडेंट, 750 डिवाइडेड बाय 10, तो मेरे पास एम की वैल्यू आ गई 75 kg। ठीक है, 75 kg हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है। अच्छा, अब अगर हम देखें कि एम की वैल्यू तो हमने निकाल लिया स्टूडेंट्स, तो एम की वैल्यू हम अबव इक्वेशन में पुट कर देंगे और आंसर को निकालने की कोशिश करेंगे। एम की वैल्यू 75 आ गई, और जी की वैल्यू हमारे पास 10 है, और 10 माइनस 5 अगर हम करें तो हमारे पास 5 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू हाफ एम की वैल्यू 75, और वी टू का स्क्वेयर हमने कैलकुलेट करना है। ठीक, तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 750 मल्टीप्लाई बाय 5, तो हमारे पास आंसर 750 और मल्टीप्लाई बाय 5, तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 3750। ठीक है, और यहाँ मेरे पास 1/2 मल्टीप्लाई बाय 75 इंटू वी टू का स्क्वेयर, और वी टू का स्क्वेयर हम किस तरह से निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स, 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं लेफ्ट साइड पे जाके, 3750, और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आएगा, 75, तो मेरे पास वी टू का स्क्वेयर की का आंसर बनता है स्टूडेंट्स 100। ठीक है, आप कैलकुलेटर का यूज़ करके आंसर निकाल सकते हैं, और फिर उसके बाद जब हम इसका स्क्वेयर को ख़त्म करते हैं तो दोनों साइडों पे अंडर रूट ले लेते हैं स्टूडेंट्स, अंडर रूट ले रही हूँ मैं दोनों साइडों पे, और स्क्वेयर जो है वो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो आंसर बचता है वी टू बचता है, वी टू इज इक्वल टू, और 100 का अंडर रूट लेती हूँ तो मेरे पास 10 आ जाता है, 10 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास वेलोसिटी है जो कि डाइवर की होगी एट पॉइंट बी, यानी कि जब वो 5 मीटर्स का डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करके नीचे की तरफ आएगा, तो इतनी वेलोसिटी से जो है वो उस पॉइंट पे उसकी इतनी वेलोसिटी जो होगी वो उसके अंदर महफूज होगी।